वेलकम टू साई क्लासेस। फ्रेंड्स, कल हमने प्रेजेंट इनडेफिनेट को शेयर किया था, आज मैं टेंस आपके सामने सेकंड वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देखो दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें दोस्तों क्या है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, वह खाना परोस रही है, तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करेंगे, रहा है, रहे हैं, रही है, तो हम जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, और इसमें दोस्तों आपने यूज करना है इज या एम या आर और प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो हमारा मैं पत्र लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, आई, मैं लिख रहा हूँ, लिखना क्या है, उसी समय के अंदर मैं कंटिन्यूएशन में लगातार पत्र लिख रहा हूँ, तो इसका दोस्तों क्या बनाएंगे, जैसे बीच का टाइम कुछ नहीं करना है, लगातार आप उस काम में बिजी हो, आई और आई के सामने दोस्तों एम का प्रयोग करना है, तुरंत बाद पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, आई, आई माने मैं, और आई के लिए हम एम का प्रयोग करते हैं दोस्तों, आई एम। अब हमारा मेन वर्ब क्या है, लिखना, और लिखने के साथ वो कंटिन्यूएशन में है, आई एन जी का प्रयोग हो रहा है उसमें दोस्तों, जैसे राइटिंग, राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, देखो दोस्तों ये सिंपल हुआ, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, कंटिन्यूस है, जारी है, मैं लिखे जा रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, इसका दोस्तों क्या बनाइए, नेगेटिव हो गया, क्योंकि नॉट का मैंने प्रयोग किया है, नहीं, नहीं लिख रहा हूँ, कंटिन्यूस है, जारी है, नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब इसका क्वेश्चन मार्क बनाना है दोस्तों, आपने क्या बनाना है, एम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बिफोर सब्जेक्ट, एम आई, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन मार्क दोस्तों, इंटरोगेटिव के लिए आपने क्वेश्चन मार्क देना है दोस्तों, और ये अप टू लास्ट तक चलेंगे, जब तक भी हमारे सेंटेंस बनाते रहेंगे, और लास्ट वाला है एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। आपको एक पैटर्न दिया है दोस्तों मैंने, पहले वाला सिंपल बनाना है, दूसरे वाला नेगेटिव बनाना है, थर्ड वाला इंटरोगेटिव बनाना है, और क्वेश्चन मार्क लगाना है, और फोर्थ में दोस्तों आपने इंटरोगेटिव और नेगेटिव का प्रयोग करना है। अब दोस्तों मैं आपके सामने इसका दूसरा एग्जांपल देने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ में आएगा दोस्तों, इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं फील करेंगे दोस्तों। जैसे नेक्स्ट वाला लेता हूँ मैं, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, शी फीमेल के लिए है, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, देखो दोस्तों हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये हमारा क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है मेन वर्ब, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, देखो दोस्तों हमने किया है, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग,
सी हमारा सब्जेक्ट है। अब वह गीत गा रही है, वह गीत नहीं गा रही है, सी इज नॉट, सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। नेगेटिव बनाए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के लिए आप क्या बनाए, इंटरोगेटिव के लिए इज शी सिंगिंग, उसमें नॉट नहीं आएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क दोस्तों। और लास्ट वाला है इज शी नॉट, इज शी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, तो आपने बहुत सिंपल है दोस्तों, उसका रूट बनाना है, सिंपल बनाना है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। कल हमने जो प्रेजेंट इनडेफिनेट किया था दोस्तों, उसमें हमने जो सिंबल बनाया था डू और डज, डू हमारा फर्स्ट और सेकंड पर्सन के नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ बनाना है दोस्तों, और हमारा डज जो है वो थर्ड पर्सन के साथ बनाना है, नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी, डज को बिफोर सब्जेक्ट, डज नॉट। तो आज हमने जो दिया है दोस्तों इज आर एम प्लस आई एन जी, और आपको सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है दोस्तों। एक एग्जांपल और मैं कोट कर देता हूँ, वी आर मेकिंग ए प्लान, वी आर मेकिंग ए प्लान। ठीक है दोस्तों, अर्थात वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आपने जो है मेन वर्ब और ए प्लान ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वाला बनाना है आपने दोस्तों नेगेटिव, वी आर नॉट मेकिंग ए प्लान। ठीक है दोस्तों, फुल स्टॉप है, नेगेटिव बनाना है आपने, आर वी, क्योंकि आर हमारा प्लूरल है इसलिए आर वी मेकिंग ए प्लान। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन मार्क, आर वी नॉट मेकिंग ए प्लान, आर वी नॉट मेकिंग ए प्लान, ए प्लान, क्वेश्चन मार्क दोस्तों। वेरी वेरी सिंपल फार्मूला, आप इसको फाइनल करिएगा दोस्तों, और इसमें इज आर एम प्लस आई एन जी का क्वेश्चन रखिएगा, और इसको सिर्फ सिंबल ये याद रखिएगा, कल का मेरा सिंबल था डू और डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपका आज का सिंबल है इज आर एम प्लस आई एन जी। एक लास्ट एग्जांपल मैं कोट कर देता हूँ दोस्तों, एक एग्जांपल और, नेक्स्ट वाला एक एग्जांपल है दोस्तों लास्ट, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, अब वही है फार्मूला, वही है दोस्तों, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। जब नेक्स्ट पॉइंट करेंगे आप नेगेटिव बनाएंगे तो सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप दोस्तों, नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट वाला है इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क हो गया दोस्तों। सेम प्लानिंग इज देयर, आपको सारे टेंस करेंगे हम, डे बाय डे आपको टेंस मिलता रहेगा। और लास्ट वाला है इज शी नॉट सिंगिंग
ए सॉन्ग, दिस इज क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और हम लोग डेली टेंस को शेयर करूंगा मैं आपके सामने, और इनको आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मेरे से बात कर सकते हो, आप मेरे चैनल पे भेज सकते हो। और दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर, लाइक माय चैनल एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ए लॉट। टुमारो वी विल मीट यू आल्सो विद नेक्स्ट टेंस। थैंक्स दोस्तों।